बढ़ते आगे, पटना में विपक्षी पार्टियों की बैठक के दौरान हल्के फुल्के पल भी नजर आए। लालू यादव ने बैठक के दौरान अपने खास अंदाज में राहुल गांधी पर चुटकी ली और कहा कि राहुल गांधी को अब शादी कर लेनी चाहिए। लालू यादव ने कहा कि आप शादी करिए, हम लोग बाराती बनेंगे। इतना ही नहीं, लालू यादव ने कहा कि आपकी मम्मी बोलती हैं कि हमारी बात नहीं मानती। समय गया, बीता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बाराती चले। और शादी करिए, बात मानिए, आपकी मम्मी हमको बोलते कैसे हो जाए। हाँ, एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। समय गया, बीता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बराती चले। और शादी करिए, बात मानिए। रायपुर से बड़ी खबर, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बयान दिया है कि जो अच्छा काम करेगा वो रहेगा और अच्छा काम नहीं करने पर बदल दिया जाएगा। ये आदेश में स्पष्ट लिखा है, रवि घोष ने बस्तर संभागीय सम्मेलन में अच्छा काम किया, हम लोग समय समय पर जिम्मेदारियां बदल देते हैं। नहीं देखिए, उसमें आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है, अगर कोई अच्छा काम करेगा तो वो रहेगा, काम नहीं करेगा तो तुरंत चेंज हो जाएगा। आगामी आदेश तक स्पष्ट है उसमें। अच्छा काम नहीं किया? नहीं देखिए, हम लोग जिनकी जहां उपयोगिता होती है वहां उसकी हम लोग ये करते हैं। अभी आगामी चुनाव है, आप देखिए अलग अलग क्षेत्रों में हमारे बहुत से महामंत्री उपाध्यक्षों का बहुत ज्यादा प्रभाव है, उन प्रभाव उन नेताओं का वहां हम ज्यादा से ज्यादा कैसे उपयोग कर सके, इसलिए हम लोग समय समय पर परिवर्तन करते रहते हैं। अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आपने देखा होगा संभागीय सम्मेलन में अलग अलग जिम्मेदारियां हमारे रवि घोष जी बस्तर से आते हैं, हमने उनको बस्तर में जिम्मेदारी दिया था तो बहुत अच्छा सम्मेलन सफल हुआ था। दुर्ग में अलग नेता को दिया था और बिलासपुर में अलग नेता को, तो हम उनको समय समय पर उनकी काबिलियत का उपयोग संगठन करता है उस आधार पर हम लोग अलग अलग समय पर प्रभार देते हैं। और अब बात करेंगे दूल्हे की। दूल्हा जिस दुल्हन को ब्याहने पहुंचा वो अपने परिवार के साथ बारात के पहुंचने से पहले ही रफू चक्कर हो गई, दुल्हन के घर पर ताला लगा मिला। पूरा मामला है क्या, इस रिपोर्ट को देखिए, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। दीपक संघ पूजा का ये पोस्टर जिस बस पर लगा है उसी बस से इंदौर के बेटमा से बारात खंडवाई। दिलवाले आए थे दुल्हनिया ले जाने, लेकिन इन दिलवालों को बगैर दुल्हन के लौटना पड़ा। इसी के साथ अब ये नजारा भी देखिए, बारातियों का ये जमावड़ा दुल्हन के घर पर नहीं बल्कि खंडवा के रामेश्वर पुलिस चौकी पर है। दरअसल लीलेड़ीपुर के दीपक परमार का रिश्ता खंडवा की पूजा से हुआ, खूब धूमधाम से बारात निकली, लेकिन जब ये बारात दुल्हन के घर पहुंची तो पूरी कहानी ही बदल गई। दुल्हन अपने पूरे परिवार के साथ गायब हो गई। दुखी दूल्हा फूट फूट कर रोया। दूल्हे ने बताया कि करीब 70 से 80 हजार का खर्च किया है, दुल्हन को एक बार देखा भी नहीं। लड़की वाले के घर से ताला लगा, उन्होंने हमको कल बोल दिया था कि हमारे दादाजी शांत हो गए तो बारात मत लेके आना, तो हम बारात लेके आए कि हमारे गाँव में पुलिस निकालने के बाद घर पे दुल्हा ले जाता, दुल्हन के लेके आता, तो इसलिए हम यहाँ पर आए, यहाँ पर देखा तो ताला लगा। इस पूरे मामले में बाराती भी हैरान है। उनका कहना है कि बारात लेकर हम दुल्हन के घर पहुँच गए थे लेकिन पूरी कहानी बदल दी गई। दुल्हन लुटेरी निकली, उसका आधार कार्ड भी फर्जी निकला, 3 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च शादी पर करने के बाद भी दूल्हा अब बिन दुल्हन के जाने को मजबूर है। सुबह 7:30 बजे गए, छोरी अलग घर आए तो कोई भी नहीं, सब फरार है, ताला लगा के फरार है। आसपास पूछा तो बोले 2 दिन पहले कमरा खाली करके जा चुके। फिर हम गए, मकान मालिक का पता लगा, उनको बुलाया तो उन्होंने जब मकान खोल के बताया तो पूरा कोई सामान नहीं। हम आए थे यहाँ पे, ये वहाँ पे क्या बराती है, मेरे अंकल का छोरा है, हम यहाँ पे शादी करने आए थे, इन लोगों ने हमारे सामने फ्रॉड किया। हमको बोला कि लड़की का दादा शांत हो गया, तुम 5 दिन बाद आना, और हमने आके देखा यहाँ पे ताला लगा, और हमारे इसमें बगैर दुल्हन लिए जाते नहीं है। ये पूरा मामला सामने आने के बाद पुलिस भी जांच की बात कह रही है। पुलिस का कहना है कि दूल्हा पक्ष की शिकायत के बाद टीमों को एक्टिव कर दिया गया है।
साइबर टीम की मदद मिली जा रही है। लुटेरी दुल्हनों और उनकी गैंग के हमारे रिकॉर्ड्स को भी खंगाला जा रहा है। फरियादी का कहना है कि उन्होंने लड़की पक्ष वालों ने शादी की तैयारियों को लेकर लगभग 75,000 रुपए से लिए और आज के दिन का वादा किया। जब ये बारात लेकर आज खंडवा पहुंचे तो फरियादी ने अपने आप को ठगा महसूस किया। जब वहां पहुंचे दुल्हन के घर पर तो वहां पर ताला लगा हुआ था। जब आसपास जांच पड़ताल की तो पता चला कि जो दुल्हन के परिवारजन है वो किराए के मकान में रहते थे और आज ताला लगाकर वो कहीं चले गए। लुटेरी दुल्हनों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिनों खरगोन में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। हालांकि इस मामले में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन और गैंग के सदस्यों को पकड़ लिया। अब खंडवा के इस मामले ने फिर ऐसी गैंग सक्रिय होने के सबूत दिए हैं। इस तरह की गैंग के निशाने पर युवा हैं, इसलिए उन्हें संभल कर रहना चाहिए। खंडवा से न्यूज 18 के लिए अमित जायसवाल की रिपोर्ट।